नमस्कार दोस्तों, आप सबका फैक्टल चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपको मेरे ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा कि आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ दिख रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं मैं इसे सॉल्व करके आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन भी लिख दिया है जिसमें से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि मुझे नहीं हो रहा है, तो मैं इसका भी क्वेश्चन का आंसर आपको निकाल के दे दूंगा। यानी कि मैं इसको भी सॉल्व करा के आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के थ्रू। और इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारा माइनस है, यहाँ पे हमने प्लस दिया था, कुछ दूसरा फॉर्मूला था उसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, आप वहां से जाके देख के सॉल्व कर सकते हो। और ये आपके बुक में दिया ही होगा, सेवेंथ स्टैंडर्ड, सिक्स स्टैंडर्ड, एट स्टैंडर्ड, टेंथ तक इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हमेशा होता ही रहता है। तो ये आपको आना ही जरूरी है कि कैसे भी करके ये आपको आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आप टेंथ में जाओगे या सेवेंथ में हो या एट में हो, किसी भी क्लास में हो, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमेशा यूज होता ही रहता है। तो इसको आज सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट सॉल्व लूंगा और इससे ही सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे ही सॉल्व करोगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 5x माइनस 6y का होल स्क्वायर। अब मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले पे रखूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे रखते हैं। देखिए मुझे 5x माइनस 6y दिख रहा है और ये भी दिख रहा है आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करना है, आपको सीधे उठा के यहाँ पे फिक्स करना है, ठीक है। जैसे कि मैं इसके सेम नीचे लिखूंगा 5x माइनस 6y का स्क्वायर, ये सेम हो गया, सेम मैंने उस पर रख दिया। माइनस माइनस है, बी की जगह ये है, ए की जगह ये है, आपको दिख रहा होगा। जैसे कि अब ए हमारा क्या है 5x है और बी हमारा क्या है 6y है, ठीक है। अब इसमें कैसा करना है हमको कि जहां जहां ए है वहां पे हमें क्या रखना है 5x रखना है, और जहां जहां बी है वहां वहां हमें क्या रखना है 6y रखना है, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। और देखिए अभी मेरा ए स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा, एक ब्रैकेट लूंगा, ब्रैकेट में क्या लूंगा 5x का स्क्वायर, ओके। माइनस साइन सेम एज इट इज कॉपी करूंगा मैं, माइनस फिर क्या है 2 है, यहाँ कहीं 2 की वैल्यू दिख रही है क्या आपको कि मैंने 2 की जगह पे ये रखा है, नहीं दिख रही है। तो सिंपल सी बात है 2 हमारा कॉपी हो जाएगा, 2 ऐसे ही कॉपी हो गया। फिर सेकंड क्या है, ए है, तो ए क्या है, ए हमारा क्या है 5x, तो मल्टीप्लाई बाय 5x। फिर बी क्या है हमारा 6y, मल्टीप्लाई बाय 6y, ठीक है। फिर क्या है प्लस, मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद क्या है बी का स्क्वायर, तो बी का बी क्या है हमारा 6y का स्क्वायर, ओके। आपको दिख रहा होगा कि मैंने एकदम प्रॉपर इस पे फिक्स कर दिया है, ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं होती है इसमें, सिर्फ आपको जहां जहां ए है वहां पे 5x रखना है और जहां जहां बी है वहां पे 6y आपको रखना है। तो आपका क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन आपको सॉल्यूशन का यही एक वो तरीका है कि जिससे आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो आगे देखते हैं अब क्या करना है हमें, इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 25, तो 25 और क्या है x का, x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस सेम कॉपी करूंगा मैं, ओके। सेकंड क्या लिख रहा है आपको 256 लिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, एक दूसरे में मल्टीप्लाई करना है, जैसे 25 कितना होता है 10 और 10 6 कितना होता है 60 हुआ। अब x और y में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा एक्स वाई, ठीक है, और प्लस क्या है 6y का स्क्वायर, तो क्या होगा 6 का वायर स्क्वायर क्या होता है 36 y का स्क्वायर। अब इसमें फ्रेंड्स देखना है कि क्या ये इसके आगे सॉल्व होगा क्या। तो इसमें देखिए हमारा कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं मैच हो रहा है कि जैसे कि हम लोग इसको सॉल्व कर सके। मैं ये एक एग्जांपल देता हूं कि जिससे कभी कभी हमारा आंसर ऐसा आता है कि जो हमारा वो सॉल्व हो सके।
तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा आंसर है, आपको बस इतना ही सॉल्व करना है, यही हमारा आंसर है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा नीचे की तरफ, आप इससे रिलेटेड मत करिए। एक कभी कभी हमारा ऐसा आंसर आता है जैसे 25 - 60 + 36, मैंने ऐसे एग्जांपल दिया है, आप इसको मत सोचिए कि आंसर इसके आगे है, ठीक है। तो नीचे देखिए ऐसा कुछ अगर आपको मिलता है, जैसे कि मैंने सिर्फ नंबर दिए तो मैच हो रहा है, ठीक है, अगर वो मैच हो रहा है, जैसे कि ये सिर्फ नंबर्स है, नंबर्स है तो नंबर्स मैच एक तरीके है कि इसे हम लोग माइनस और प्लस कर सकते हो। आपको सिंपल सा पता ही होगा कि अगर सब कुछ सेम होता है जैसे कि ये नंबर्स में है तो नंबर्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब इसमें से क्या करेंगे, 25 को 60 में से माइनस करेंगे, ठीक है, 60 में से 25 को माइनस किए तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए मैं माइनस कर देता हूँ, -45 + 36 ऐसा हुआ। मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लाया, क्योंकि यहाँ पे माइनस बड़ा है, इसलिए 45 - 45 + 36 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैं क्या करूँगा 45 - 36 करूँगा, तो क्या होगा 45 में से 36 माइनस करना है आपको सिंपल सा, तो 6 से करना तो 15 में से 16 माइनस होएगा तो कितना बचेगा। आप इसको देखिए, जैसे कि मैंने माइनस है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो बड़ी संख्या होती है उसी का माइनस लेते हैं हम, आपको ये चीज पता होगा क्योंकि मैंने माइनस लिया, कई सारे बच्चे पूछेंगे अगर कि माइनस आपका कहाँ से आया, तो सीधी सी बात है जो हमारे आगे वाली संख्या होती है या तो आगे हो या पीछे जो बड़ी होती है उसी के आगे का सिम्बॉल जो होता है वहां पे हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो जैसे इसमें हमारा ये बड़ा था इसके वजह से मैंने माइनस लिया हुआ है, आप ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस कैसा है, प्लस कॉपी मैंने किया है सेम ऐसे, और माइनस हमारा जो सबसे बड़ी संख्या है उसकी आ जाता है यहाँ पे माइनस। अब 45 से 36 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, आप यहाँ पे माइनस करिए, हमारा कितना बचेगा 9। अगर ये माइनस में वापस से क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी की, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी का ही ये माइनस आता है, जैसे कि मेरे पास माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं प्लस नोट करता, तो -9 हमारा ये आंसर होता है। तो इससे हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने एग्जांपल ये दिया है कि अगर आपको ऐसा मिले, तो यहाँ पे देखिए हमको कोई भी ऐसा नंबर मैच होते हुए नहीं मिल रहा है कि जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सके, ठीक है। इसी तरह दोस्तों वीडियो खत्म होता है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए।